नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो पहला टी20 मुकाबला खेला जाने वाला है भारत और वेस्टइंडीज के बीच में, उसमें क्या संभावित प्लेइंग 11 टीम हो सकती है और विराट कोहली ने कौन कौन से बदलाव किए हैं वो घोषित हो चुके हैं। तो आइए चलिए जानते हैं इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी को। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। और हाँ, अगर आप भी भारतीय टीम को दुनिया की सबसे खतरनाक टीम मानते हो तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल आरएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच में पहला टी20 मुकाबला अगले महीने यानी कि 6 दिसंबर के दिन खेला जाएगा। तो ऐसे में ये जो मैच होने वाला है वो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम को 7 बजे से खेला जाएगा। तो वहीं हम आपको बता दें कि अभी भारतीय टीम ने हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज खेली है, जिसमें भारतीय टीम ने आपको 2-1 से जीत। तो अब इसके साथ बांग्लादेश सीरीज खत्म होने के बाद अब टी20 सीरीज भारत को खेलनी है, लेकिन उससे पहले भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलेगी। तो ऐसे में अब सवाल उठते हैं जिन जिन खिलाड़ियों ने बांग्लादेश की टीम में ज्यादा कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया, जैसे कि ऋषभ पंत, कुणाल पांड्या, तो इन सब खिलाड़ियों को क्या विराट कोहली मौका देते हुए नजर आएंगे? लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। ऋषभ पंत और इन सभी खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया जाएगा और टीम में पूरी तरीके से बदलाव किए जाएंगे, क्योंकि काफी महीनों से जो ऋषभ पंत है वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं और ऐसे में ऋषभ पंत का टीम से बाहर रहना ही काफी अच्छा होगा। और ऐसे में हम आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज में कप्तानी की थी, लेकिन अब विराट कोहली टी20 सीरीज के लिए टीम में वापसी करेंगे। तो आइए चलिए डालते हैं नजर दोनों ही टीमों के बारे में। तो जैसे कि आप सभी यहाँ पे वेस्टइंडीज की संभावित प्लेइंग 11 टीम देख पा रहे होंगे, इवन लुइस, क्रिस गेल, शाई होप, सिमरन हेटमेयर, निकोलस पूरन, जेसन होल्डर, कार्लोस ब्रेथवेट, एलेन रॉच, कॉट्रेल और थॉमस। तो ऐसे में जो वेस्टइंडीज की टीम होगी वो ये मैदान पर उतर सकती है। बाकी आप यहाँ पे स्क्रीन के सामने देख सकते हैं पूरे खिलाड़ियों को। और वहीं अगर आगे बढ़ते हो हम लोग बात करें अपनी भारत की प्लेइंग 11 टीम के बारे में जो वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज खेलेगी, तो वो खिलाड़ी कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं। रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, केएल राहुल, सुरेश अय्यर, मनीष पांडे, रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी और नवदीप सैनी। तो ये 11 भारतीय खिलाड़ी होंगे जो आप सभी को मैदान पर खेलते हुए नजर आने वाले हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, क्या भारत की ये टीम मजबूत टीम होगी या फिर नहीं, आप हमें बताना नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और इसी के साथ अगर बात चल रही है टीमों की, तो अभी हमने जैसा कि आपको बताया कि भारतीय टीम को वेस्टइंडीज टीम के पहले 2 टेस्ट मैचों की सीरीज बांग्लादेश के खिलाफ खेलनी है, तो उसके लिए भी प्लेइंग 11 टीम घोषित हो चुकी है भारत की, जो कि मैदान पर उतरती हुई हम सभी को नजर आने वाली है। और इसी के दौरान रोहित शर्मा के पास एक मौका भी होने वाला है कि वो उस सीरीज में एक रिकॉर्ड तोड़ दे। दरअसल जैसे कि आप सभी को पता होगा कि रोहित शर्मा ने अभी तक अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर में 358 छक्के जड़ दिए हैं, तो ऐसे में वो 400 छक्के जड़ने से मात्र 2 छक्के ही दूर हैं। तो अगर वो 2 छक्के और लगा देते हैं तो वो अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के 400 छक्के पूरे कर देंगे और आज से पहले ये रिकॉर्ड कोई भी बल्लेबाज नहीं बना पाया है। तो वहीं हम आपको बता दें कि ब्रेंडन मैकुलम भी इस लिस्ट में शामिल है जिन्होंने 399 छक्के जड़े हैं, और अगर रोहित शर्मा मात्र 1 छक्का जड़ते हैं तो वो ब्रेंडन मैकुलम के इस रिकॉर्ड को तो तोड़ ही देंगे। तो इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ते हो आपको बताएं कि भारत की संभावित प्लेइंग 11 टीम जो टेस्ट मैच में खेलेगी बांग्लादेश के खिलाफ वो क्या हो सकती है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो टीम होगी भारत की वो ये हो सकती है, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चितेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, रिद्धिमान साह, रविंद्र जडेजा, रविंद्र चंद्रन, अश्विन, उमेश यादव, ईशांत शर्मा और मोहम्मद शमी। तो ऐसे में यही वो खिलाड़ी होंगे जो भारतीय टीम की तरफ से बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलते हुए हम सभी को नजर आने वाले हैं। आपने इस लिस्ट में भी नोटिस किया होगा कि ऋषभ पंत को टीम से बाहर रखा गया है और ऐसे में उन सभी खिलाड़ियों को लिया गया है इस बार टीम में जो कि भारतीय टीम के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों को इनमें से कौन सी टीम खतरनाक लग रही है, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब अगर बात चल रही है टेस्ट क्रिकेट की, तो टेस्ट क्रिकेट में एक और बड़ी खबर निकल के आई है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि स्टीव स्मिथ ने ठोका करियर का सबसे धीमा शतक और फिर अजीब ढंग से हुए आउट। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया टीम के तमाम खिलाड़ी इस समय अपने ही देश के घरेलू मल्टी डेज टूर्नामेंट सेफील्ड शील्ड में खेल रहे हैं। तो इसी टूर्नामेंट की एक टीम का हिस्सा कंगारू टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ भी हैं। तो ऐसे में स्टीव स्मिथ ने इस टूर्नामेंट में अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर की सबसे धीमी सेंचुरी ठोकी और शतक जमाने के कुछ ही देर बाद वो अजीबो ढंग से आउट हो गए। दरअसल हुआ क्या था, हुआ ये था कि न्यू साउथ वेल्स के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने ऑलराउंडर मार्क स्टोइनिस की गेंद पर अपरकट लगाने की कोशिश की, लेकिन विकेटकीपर जोस इंग्लिश ने स्टीव स्मिथ ने जो बॉल उठाकर खेली तो वो इतनी नजदीक थी कि विकेटकीपर जोश ने उसे पकड़
लिया और पकड़ने के साथ ही उन्होंने अपील कर दी, जिस पर एम्पायर ने उंगली उठा दी। हालांकि जब रिप्ले में देखा गया तो वो जो गेंद थी वो बल्ले से टच नहीं हो रही थी और स्टीव स्मिथ के रिएक्शन से साफ साफ दिख रहा था कि स्टीव स्मिथ खुश नहीं है इस फैसले से। और हालांकि हम आपको बता दें कि स्टीव स्मिथ जल्दी आउट नहीं होते हैं, और होते भी हैं तो वो एम्पायर के फैसले का मान रखते हुए मैदान से खुद ही बाहर चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने इस बार ऐसा नहीं किया और वो नाराज होते हुए एम्पायर की तरफ घूरते हुए जा रहे थे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और हाँ, दिलचस्प बात तो ये थी कि ये जो उन्होंने शतक ठोका था इस मैच में, वो उन्होंने सबसे धीमा शतक ठोका अब तक की अपनी पारियों में। दरअसल उन्होंने 995 गेंदों में 100 रन बनाए, जो कि काफी धीमा शतक था। तो ऐसे में स्टीव स्मिथ के बारे में आपका क्या कहना है, आप हमें नीचे कमेंट में बताना। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच राजकोट के स्वराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला गया। वहीं इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 153 रनों का स्कोर खड़ा किया था, और इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा और शिखर धवन के बीच में काफी अच्छी साझेदारी हुई 118 रनों की, जिसमें रोहित शर्मा ने 43 गेंदों का सामना करते हुए 85 रन की पारी खेली, और वहीं रोहित शर्मा का साथ देने आए शिखर धवन ने 27 गेंदों में 31 रनों की खूबसूरत पारी खेली और टीम इंडिया को 26 गेंदे बाकी रहते हुए 8 विकेट से जीत दिलवा दी। तो ऐसे में रोहित के द्वारा किए गए इस शानदार प्रदर्शन से उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब भी दिया गया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि टेस्ट, वनडे और T20 को मिलाकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक साल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले वो टॉप 7 बल्लेबाज कौन से हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में जो 7वां नाम आता है वो आता है मार्टिन गुप्टिल का, जिन्होंने 2015 में टेस्ट, वनडे और T20 को मिलाकर कुल 39 छक्के जड़े थे। और वहीं इस लिस्ट में जो 6ठा नाम आता है वो आता है मैथ्यू हेंडर का, जिन्होंने 39 छक्के ही जड़े थे 45 पारियों में, और ये कारनामा उन्होंने 2007 में किया था। तो अब अगर आगे बढ़ते हम बात करें टॉप 5 बल्लेबाजों के बारे में, तो टॉप 5 की सूची में सचिन तेंदुलकर का नाम 5वें नंबर पर आता है। जी हां, इंडिया के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर इस सूची में 5वें स्थान पर मौजूद हैं। सचिन तेंदुलकर ने साल 1998 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुल मिलाकर 39 मैच खेले थे, जिसमें से उन्होंने 42 पारी में कुल मिलाकर 51 छक्के जड़े थे। वहीं हम आप लोगों को बता दें कि इस दौरान सचिन तेंदुलकर ने सिर्फ टेस्ट, वनडे क्रिकेट ही खेला था। तो वहीं अगर आगे बढ़ते हम लोग बात करें चौथे खिलाड़ी के बारे में, जो इस लिस्ट में चौथे खिलाड़ी हैं, वो है एबी डिविलियर्स। जी हां, एबी डिविलियर्स ने साल 2015 में टेस्ट, वनडे और T20 क्रिकेट को मिलाकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 32 मैच खेले थे, जिसमें से उन्होंने 34 पारियों में 63 छक्के जड़े थे, इसलिए वो चौथे स्थान पर मौजूद हैं। तो वहीं अगर आगे बढ़ते हम लोग बात करें तीसरे खिलाड़ी के बारे में, जो तीसरे खिलाड़ी हैं वो है रोहित शर्मा। जी हां, रोहित शर्मा ने साल 2017 में टेस्ट, वनडे और T20 को मिलाकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुल मिलाकर 32 मैच खेले थे, जिनकी 33 पारियों में उन्होंने 65 छक्के जड़े थे, इसलिए वो तीसरे स्थान पर हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि राजकोट में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 1-8 विकेटों से हरा दिया है। वहीं इसी जीत के साथ उन्होंने इस श्रृंखला में 1-1 की बराबरी कर ली है। वहीं हम आपको बताएं कि बांग्लादेश की टीम ने शुरुआत में टॉस हारा था, पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाए थे, और वहीं बांग्लादेश की टीम की तरफ से मोहम्मद नईम ने काफी अच्छी पारी खेली, उन्होंने 31 गेंदों में 36 रन बनाए। वहीं सौम्य सरकार ने 20 गेंदों में 30 रन बनाए, बाकी आप लोग देख सकते हैं कोई भी खिलाड़ी बांग्लादेश का ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। और इसी के साथ 154 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने आते से ही हाहाकार मचा दिया। जी हां, हम आपको बता दें कि भारतीय टीम जब मैदान पर उतरी तो बांग्लादेश को धूल चटाने के मकसद से ही उतरी थी, तो रोहित शर्मा और धवन ने शुरुआत में आते से ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। और फिर क्या था, भारत की इस जीत के हीरो रहे कप्तान रोहित शर्मा, जिन्होंने विस्फोटक रूप अपनाते हुए 43 गेंदों पर 6 चौके और 6 छक्कों की मदद से 85 रन बना डाले, और रोहित शर्मा का साथ देने उतरे शिखर धवन ने 27 गेंदों में 31 रनों की बेहतरीन पारी खेली, भारतीय टीम इस जीत को हासिल कर। और वहीं जब मैच खत्म हुआ तो रोहित शर्मा को अपनी इस खतरनाक पारी के बलबूते पर मैन ऑफ द मैच का इनाम भी दिया गया। तो वहीं रोहित शर्मा के इस ताबड़तोड़ प्रदर्शन से बांग्लादेश की टीम के तो आंसू निकल ही आए थे। तो ऐसे में दोस्तों, वहीं अगर अब हम बात करें नागिन डांस की, तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि पहले T20 मुकाबले को बांग्लादेश ने जीतकर ड्रेसिंग रूम में झूम झूम कर नागिन डांस किया था, बाकी उनका वीडियो भी एक वायरल हुआ था। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम ने बांग्लादेशियों का नागिन डांस दूसरे T20 मैच में 1-1 कर दिया, और भारतीय टीम ने दूसरे T20 मैच को खतरनाक मोड़ में जीतकर नागिन डांस करने वालों से बदला ले लिया। और ऐसे में दोस्तों, बनता तो था कि भारतीय टीम भी बांग्लादेशियों के खिलाफ नागिन डांस करे, लेकिन किसी भी खिलाड़ी ने नागिन डांस नहीं किया, क्योंकि
ये भारतीय संस्कृति में नहीं आता है कि हम किसी की हार पर अपना जश्न मनाएं।